हाय एवरीवन दोस्तों, हम लोग सीटेट पेपर सेकंड का जो साइंस है उसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डेली डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो भी मैंने रिकॉर्ड किए थे ना, वो प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग उसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इससे पहले हमने प्लांट्स के जो मेन मेन फंक्शन है और जो उसके फीचर्स है वो पूरे डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन समझते हैं। देखो, एक मार्क्स के लिए पूछेगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हाईली एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो, दो कैटेगरी है प्लांट्स की, कैटेगरी दो आती है, एक क्रिप्टोजेंस में आती है और एक फेनेरोजेंस में आती है। इसमें फ़र्क क्या है? देखो, क्रिप्टोजेंस इसमें ना सीड नहीं रहता, मतलब ये जो प्लांट्स हैं सीडलेस है सब, और जो फेनेरोजेंस होते हैं इसमें सीड्स होते हैं। ये फ़र्क है दोनों के अंदर का पहले तो। अब देखो, क्लासिफिकेशन अगर हम देखना है तो कुछ फंडामेंटल फीचर होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तो उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होते हैं। अब वो कौन कौन से थोड़ा समझते हैं। देखो, ये आप जो इमेज देख रहे हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स प्लांट की इमेज है, कॉम्प्लेक्स। और कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे एनिमल हो या प्लांट्स हो या कोई भी हो, वो सिंपल अपने सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते रहता है। ये सिंपल और उससे कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल मतलब क्या रहेगा कि उसमें उसके जो उसमें ना लीफ है, ना स्टेम है, ना रूट्स है। ये सिंपल फॉर्म हो गया, मतलब एकदम बेसिक फॉर्म। फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ें बढ़ती चली गई। वो क्या क्या बढ़ेंगी धीरे धीरे? तो पहले क्या रूट्स आएंगे, स्टेम आएगा, फिर पत्ते आएंगे। फिर ये आने के बाद में उसके अंदर का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसको जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं, वो आएगा। उसके बाद में फिर सीड लगेंगे और फिर बाद में फ्लावर आएगा। तो धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। ऐसे उस हिसाब से क्लासिफिकेशन होते हैं। तो समझते हैं। तो ये जो क्रिप्टोजेंस है, इसमें देखो ये सारी चीज़ें आनी है, रूट्स, स्टेम, लीफ, जाइलम, फाइलम, वो भी वन बाय वन, धीरे धीरे धीरे। जब हम लोग इधर की कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पे देखो सीड्स आएगा, सीड्स। तो मतलब इनके साथ साथ क्या ऐड होने वाला है? यहाँ पे सीड्स ऐड होंगे, उसके साथ साथ फ्लावर होंगे, फ्लावर फ्लावर ऐड होगा। इतना मतलब धीरे धीरे हम लोग को फ्लावर तक जाना है, मतलब रूट से शुरू करना है और फ्लावर तक जाना है। ये कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है एक एक करके। तो देखो, पहले क्रिप्टोजेंस में क्या है, तीन कैटेगरी है। सबसे पहले आता जिसको बोलते हैं थाइलोफाइट। थाइलोफाइट एकदम सिंपल फॉर्म है, इसमें ना रूट्स है, ना लीफ है, ना स्टेम है, ना थाइलम है, ना फाइलम, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल फॉर्म है थाइलोफाइट्स। ये एक्वेटिक होते हैं। इसकी डिटेल डिस्कस हम लोग एक एक बाद में करेंगे। बहुत सिंपल फॉर्म्स, ना इसमें रूट्स है, ना स्टेम है, ना लीफ है, ना जाइलम है, ना फाइलम है, कुछ चीज नहीं है, सिंपल फॉर्म है एकदम, जिसको थाइलोफाइट्स बोलते हैं। फिर उसके बाद में ब्रायोफाइट आता है। देखो, ब्रायोफाइट में अब शुरुआत हो रही है उसकी लीफ और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वो भी पूरी तरह से नहीं है, बस आने की शुरुआत हो रही है अभी। स्टेम आने की शुरुआत हो चुकी है, लीफ आने की शुरुआत हो चुकी है, रूट्स भी आने की शुरुआत हो चुकी है, अभी आए नहीं। किसमें? ब्रायोफाइट में। जब तक हम टेरिडोफाइट में आते हैं, तीसरी कैटेगरी में, तो यहाँ पर रूट्स आ चुके हैं, यहाँ पर स्टेम आ चुका है, यहाँ पर लीफ आ चुका है, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जाइलम है, फाइलम, ये आ चुका है, बट अभी फ्लावर और सीड बाकी है। तो ये तीन कैटेगरी का ये हाल होता है। अब इसमें दो कैटेगरी है, ये फीचर तो इनमें आ चुके हैं ऑलरेडी। अब जो जिम्नोस्पर्म है, तो इसमें क्या रहेगा, ये पाँचों फीचर के साथ साथ सिर्फ सीड्स आएंगे, फ्लावर बाकी रहेगा, सीड्स आएंगे। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। फिर एंजियोस्पर्म में जाएगा, जब हाईली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक प्लांट्स, तब क्या रहेगा, ये चारों पांचों भी रहेंगे, साथ साथ सीड भी आ जाएंगे और आखिर में फ्लावर भी लगना शुरू हो चुके होंगे, यानी फ्लावर भी आना शुरू हो चुका। और फ्लावर आना इसका मतलब ये है कि जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आ चुका है, मतलब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना शुरू हो गया। यानी कि एंजियोस्पर्म ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्लांट्स कहा जा सकता है। एक एक डिस्कस करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये आपके सामने पहले है, ये है थाइलोफाइट्स। थाइलोफाइट्स जो रहते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं उसको, पानी में रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म या एक्वेटिक प्लांट्स कैटेगरी में आते हैं। इसमें सब अलगी है, अलगी। देखो, यहाँ पर ना रूट्स है, ना स्टेम है, ना लीफ है, ना जाइलम है, फाइलम है, कुछ नहीं है। जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप ऐसी है, अलगी। जो आपने देखी काई, जिसको शैवाल बोलते हैं हम लोग, तो शैवाल की शैवाल ही आता है इसमें, थाइलोफाइट में शैवाल है। इसके एग्जाम्पल आपको कौन से याद रखने हैं? स्पायरो वगैरह याद रखना है, उला याद रखना है, और कारा। ये तीन आपको याद रखने हैं, इक्वेटिक है, पानी में रहते, कंप्लीटली पानी में रहते, और कोई ऐसे फीचर इसके अंदर डेवलप नहीं हुए। बहुत बेसिक फॉर्म या सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट्स हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं तीन एटलीस्ट, ये वाले। अब हम थोड़ा ब्रायोफाइट की तरफ आते हैं। देखो, ब्रायोफाइट में ना रूट्स लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो चुके हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो चुके हैं, पत्ते भी बनना शुरू हो चुके हैं। अभी जाइलम फाइलम कुछ नहीं आया, जाइलम फ्लोएम नहीं आया अभी।
अभी ये भी थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होने की कगार पे है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में क्या है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और रूट्स लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। अभी बना नहीं, बनने की कगार पे है, यह भी बनेगा थोड़ी दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके एग्जांपल्स क्या क्या देखेंगे हम लोग, पहला देखेंगे देखो आपको ये एरिक्सिया, फुनारिया और मार्केंसिया, ये तीन एग्जांपल्स आपको याद रखना पड़ेंगे। देखो इससे पहले हमने जो थैलोफाइट्स देखे थे वो टोटली पानी में रहने वाले एक्वेटिक प्लांट्स थे, इनको बोलते हैं एम्फीबिया, ये पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं। ब्रायोफाइट्स प्लांट्स के अंदर के एम्फीबिया है, मतलब ये पानी में भी रह जाते हैं और जमीन पर भी रह जाते हैं, ये इसकी कैटेगरी है। और इसके ये तीन एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हम टेरिडोफाइट की तरफ बढ़ते हैं। अब टेरिडोफाइट मतलब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें डेवलप हो चुकी है, देखो रूट्स आ चुके हैं, उसके बाद में स्टेम आ चुका है, लीफ आ चुका है, उसके साथ जो ट्रांसपोर्टेशन वेसल्स है जाइलम और फ्लोएम वो भी आ चुका है इसमें। तो मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने की कगार पे है, बट अभी सीड नहीं आया और फ्लावर्स नहीं आए इसमें, क्योंकि वो काय महंगे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म महंगे। अब ये जमीन पर पाए, पूरी तरह से जमीन पर पाए जाने वाले हैं। अब एग्जांपल्स आपको कौन से याद रखने हैं, देखो फर्न्स, तो आपको याद रखने फर्न्स, ये बहुत सवाल है इस पे। और दूसरा ये मार्सिलिया, मार्सिलिया और फर्न्स दोनों ही, देखो मैं जो टीक मार करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए है और एग्जाम में वही पूछता है, इसलिए मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, फर्न्स याद रखो इसका और मार्सिलिया याद करो, और कुछ याद रखने की नहीं जरूरत है। उसके बाद में हम लोग, अब देखो ये जो तीन कैटेगरी हमने देखे, तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता, तो रिप्रोडक्शन स्पोर से होता, याद रखो स्पोर से होता, क्योंकि फ्लावर में जो पोलन रहता है पोलन ग्रीन से जो रिप्रोडक्टिव काम होता फ्लावर में, वो सब चीज़ें यहाँ नहीं होती। तो यहाँ पे स्पोर से क्या होता, स्पोर से फिर एक नया प्लांट्स खड़े जाता जर्मिनेशन के जरिए से। ठीक है, तो ये स्पोर्स होता है तीनों में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म देखते हैं। देखो जिम्नोस्पर्म में वो जो पहले के हमने तीन कैटेगरी देखी उसके अंदर में क्या आ गया था, रूट्स आ गया था, लीफ, स्टेम, जाइलम, फ्लोएम, पांचों चीज़ें आ चुकी थी। तो जाहिर है कि जिम्नोस्पर्म में भी वो पांचों चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी है, उसके साथ साथ इसमें सीड आएंगे, सीड्स। देखो जिम्नो का मतलब है नेक और स्पर्म का मतलब सीड होता है, जिम्नो मतलब नेक मतलब ओपन। तो ये जो भी प्लांट्स की जो कैटेगरी है इसमें वो सारे फीचर होने के साथ साथ आपको बीज भी दिखेगा, सीड भी दिखेगा, फ्रूट्स भी दिखेगा, बट वो ओपन रहेगा, ओपन नेक। तो इसमें आपको पाइन्स वाले जैसे कि पाइनएप्पल, ऐसे कैटेगरी के पाइन्स वो याद रखना है, पाइनएप्पल की कैटेगरी के जितने भी आएंगे वो इसमें आ जाएंगे। इसमें दूसरा साइकस, ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखना है, साइकस और पाइन्स। ठीक है, ये ब्रायोफाइट के अंदर में आते हैं। उसके बाद में हमारा आखिरी जो एग्जांपल है वो है एंजियोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म ना बहुत कॉम्प्लेक्स प्लांट की कैटेगरी, यहाँ पे फ्लावर आ चुके हैं और फ्लावर आ गए इसका मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें देखो दो तरह की कैटेगरी है, इसमें ना एक रहते मोनोकॉट और एक रहते डाइकॉट। एंजियोस्पर्म में देखो एंजियोस्पर्म में क्या आ चुका, मैं पहले वो क्लियर कर देता आपको। देखो यहाँ पर रूट्स आ चुके हैं, उसके बाद में स्टेम आ चुका, उसके बाद में लीफ आ चुके, सीड आ चुके, उसके बाद में फ्लावर भी आ चुका, मतलब अब फुल कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आ गए। उसके साथ साथ जाइलम और फ्लोएम तो ऑलरेडी है ही है, वो तो है ही, जाहिर है ये सारे फीचर तो आ गए, बट इनके जो सीड्स रहेंगे ना वो दो तरह के हैं, एक मोनोकॉट्स की कैटेगरी और एक है डाइकॉट्स की कैटेगरी। मोनोकोट्स मतलब उसका सीड का एक ही रहता, जैसे गेहूं का दाना या चावल का दाना आप उसके दो टुकड़े नहीं कर सकते, उसके दो डिवीजन नहीं कर सकते, एक ही रहता, उसको मोनोकोट्स बोलते हैं। और डाइकोट्स मतलब क्या रहते हैं, इसके दो टुकड़े कर सकते हैं, दो डिवीजन कर सकते हैं आप, कोटिलेडन भी बोलते हैं इसको, टू कोटिलेडन, ऐसा देखो ये इमली का बीज है ना या फिर आम का बीज है, इसके दो हिस्से हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा फर्क समझाता हूँ मैं, जो मोनोकोट्स रहते हैं ना इनकी शॉर्ट लाइफ रहते, ज़्यादा लंबे समय तक ये जी नहीं पाते, बहुत ज़्यादा तो एक साल या फिर सीजन के हिसाब से रहेंगे, कुछ दो महीने के लिए, कुछ एक महीने के लिए, कुछ तीन महीने, चार महीने, ना जैसे हमारे हर्ब्स जो थे, भाजीपाला जो भी है ना, सब यही कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो वो उनकी लाइफ कम होती है, एक साल से ज़्यादा लगभग सबकी नहीं होती है, या फिर एक महीने की भी होती है, 15 दिन की भी होती है, या फिर 2 महीने, 4 महीने, बट ज़्यादा लाइफ नहीं होती। यहाँ पर है ना बहुत बड़ी लाइफ अच्छी है, कई साल तक रहते हैं, जैसे 30 साल, 40 साल, 50 साल, ठीक है, अच्छी लंबी चौड़ी लाइफ रहती है उनके। इनके जो रूट्स होते हैं ना, तो इनकी मोनोकॉट्स की ना फाइबरस, जैसे अपने ओनियन के हो गए, गार्लिक के हो गए, है ना, मेज हो गया आपका, जवारी, बाजरी, गेहूं, ये सब चीज़ों की क्या है, शॉर्ट लाइफ रहती है। तो इनके फाइबरस रूट होते हैं और उसके इनके टैप होते हैं, ये टैप रूट्स ना एक मेन ब्रांच रहती है और बाकी उसको ब्रांचेस ऐसे टैप रूट्स बोलते हैं। तो ये बहुत डीप तक पेनेट्रेट रहती है, ताकि एक
सपोर्ट भी मिले ज़मीन से और पानी भी निकाल के लाए ज़मीन से, क्योंकि बहुत लंबी लाइफ जीनी है उनको, तो पानी की रिक्वायरमेंट वो ज़मीन से ही फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें याद रखो आप। पत्ते का अगर याद रखें तो इनके लीफ है ना पैरेलल वेनन रहते हैं और इसके पैरेलल नहीं रहते, रेटिकुलम रहते, बस इतना भी याद रखें तो काफ़ी है। अब इसके एग्जांपल्स है ना, तो आप जो भी आसपास देखेंगे बड़े बड़े पौधे वो सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिटेल में अब और ज़्यादा नहीं था, बस आप नाम याद रखो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लासिफिकेशन का, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो लेक्चर था यहाँ पे ख़त्म होता है। देखिए बच्चों, मैथ जो सी टेट की एग्ज़ाम है ना, अभी यहाँ से करीब 2 महीने बाकी है, तो जो सी टेट की बैचेस है पेपर फर्स्ट सेकंड की और मैथ साइंस और सोशल साइंस की, तो वो अभी जारी है क्लास में। जो बच्चे अगर क्लासेस ज्वाइन करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बच्चे डिस्क्रिप्शन में और थंबनेल पे कॉन्टैक्ट डिटेल दिए है, कॉन्टैक्ट करके ऑफिस से सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ साथ इस साल महा टी टी महाराष्ट्र में महा टी टी और टेट दिसंबर या जनवरी में हो सकता है टेट, तो वो होने वाला है। तो उसके लिए ग्रुप्स में हम बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक वगैरह दी है, वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप। साथ साथ अगर आपको क्लासेस करने हैं उसकी भी, तो वो जून से स्टार्ट होने वाली है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है और कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल निकाल के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ अच्छी कंसेप्ट के साथ। तब तक ले जा दो, बाय बाय।